सिवान में पुलिस के रूप में आए अपराधियों ने जमकर किया चोरी, मची हड़कंप। सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां सिवान जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के कन्हौली मोड़ पर पुलिस के बोर्ड लगाकर कार से आए चोरों ने जमकर उत्पात मचाया है। कन्हौली मोड़ पर विश्वकर्मा मोटरसाइकिल रिपेयरिंग सेंटर से चोरों ने दरवाजा तोड़कर उसमें रखे आधा सामान लेकर फरार हो गए थे। बाकी सामान निकालकर कार में रख रहे थे, तभी भनक आसपास के लोगों को लग गई। हो हल्ला होने पर स्थानीय लोग इकट्ठा हुए, जिससे एक चोर पकड़ा गया। वहीं चोर कार लेकर आए हुए थे, उसी में सभी सामान लेकर रख लिए हुए थे। वहीं कार पर पुलिस का बोर्ड भी लगा हुआ था। चोरों ने मास्टरमाइंड तरीके से इस घटना को अंजाम दिए थे। ये सारे लोग पुलिस के रूप में आए थे और लोगों को बेवकूफ बनाकर जमकर चोरी किया। वहीं इस घटना के बाद बसंतपुर थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर पकड़े गए चोर को गिरफ्तार कर लिया है। अब ये सवाल उठ रहा है कि जिस जगह घटना को अंजाम दिया गया है वो मेन रोड है, और मेन रोड पर आसानी से चोर गाड़ी लगाकर चोरी कर रहे हैं और पुलिस को भनक तक नहीं लग रही है। शायद पुलिस गश्ती करती है तो ये घटना नहीं होती। जिले में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही है, चोरी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। अपराधी हो या चोर तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और अपने वारदातों को सफलतापूर्वक अंजाम भी दे रहे हैं। इस चोरी की वारदात के बाद आसपास के इलाकों में चर्चाओं का माहौल गर्म हो गया है। लोग सवाल उठा रहे हैं, जिस वक्त ये लोग चोरी कर रहे थे उस वक्त असली वाले पुलिस सब कहाँ थे? पुलिस का बोर्ड लगाकर ये लोग आसानी से चोरी की घटना को अंजाम दिए और असली वाले पुलिस वालों को कुछ पता तक नहीं चला।